Good morning, students. In this video, I am going to explain class 8 geography of Maharashtra State Board new syllabus, first chapter, local time and standard time. So, before going forward, I would like to explain with the help of rotation of earth. Like, if you feel that the while traveling from one city to another city, you are from window you can see that if you sitting on the bus and from window of bus you can see that the trees and shops are moving. Actually you are moving through the bus, that trees and shops are still on the roadside, right? In a similar manner, earth rotates around the sun, not sun rotates around the earth, right? Earth rotate around the sun and earth revolve around the sun within 365 days, and earth rotate on its axis and it takes 24 hours to complete a one rotation. So days and night occur. That is the answer of the first question. Because earth rotate on its axis, that's why days and night occur. Now how days and night occur? When some part of the earth receive the or experience the receive the sunlight, that region experiences daytime, while the other part, those part of the earth do not receive the sunlight within 24 hours, they experience the night time. So isliye hamare idhar 12 hours ka day aur 12 hours ka night rehta hai. So 12 plus 12 24 hours day, right? In this way. Now facts about the longitude. Longitudes are nothing but are also known as meridians. They are the vertical lines on the globe, on the earth surface. The main purpose of the longitude and the main application or main uses of longitude to determine the location as well as time on the earth surface to avoid confusion. So to avoid confusion, puri duniya ko, pure map of world ko, ya ko, we can say the earth surface ko divide kiya gaya into two parts pe. Eastern hemisphere and western hemisphere. Jo dono ka eastern aur western hemisphere ka middle part hai. बीच की जो लाइन आप देख रहे हो रेड लाइन, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, राइट? जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन, और इसे जीएमटी भी कहते हैं. जीएमटी स्टैंड फॉर द ग्रीनविच मीन टाइम. अब ये प्राइम मेरिडियन आप देख रहे हो, राइट? क्योंकि ये पूरी दुनिया का मैप है. राइट साइड पे सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, स्पेशली एशिया तो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, अफ्रीका का सम पार्ट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, वाइल अमेरिका, यूएसए, साउथ अमेरिका, ब्राजील एक्सेट्रा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा. और इनका डिस्टेंस, लॉन्जिट्यूड का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है. दे वर लेस एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एट द इक्वेटर. इक्वेटर मतलब जीरो डिग्री लैटिट्यूड. अब यहाँ पे लैटिट्यूड मेंशन नहीं है. अब एक पॉइंट और बता दूं कि आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में जीपीएस होता है. जीपीएस का इस्तेमाल आप जानते हो, यू नो द एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस. जीपीएस इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ सर्फेस. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस स्टैंड फॉर, राइट? सो मेन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे मेंशन नहीं है लैटिट्यूड लाइक दिस. लैटिट्यूड जीरो डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वर्टिकल लाइन, जहां पर मीट करते हैं, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को. तो दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट दैट डिटरमाइंड बाय द जीपीएस. आप अगर अपने जीपीएस ऑन करके मोबाइल फोन से, आपके स्मार्टफोन से फोटो खींचोगे और उसके बाद डिटेल चेक करोगे, डिटेल में जाके फोटो के डिटेल चेक करोगे, तो वहां पर आपको लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड बताएगा. अब कम टू दर टॉपिक. दिस इज अ ग्लोब, राइट? ये इसे सर्कल को आप ग्लोब समझ लो, पूरा अर्थ समझ लो. ये जीरो डिग्री, ये पूरा टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये जीरो डिग्री जीएमटी ऑफ प्राइम मेरिडियन है. प्राइम मेरिडियन भी बोलेंगे और जीएमटी वी कैन ऑल्सो से. जीएमटी स्टैंड फॉर द ग्लो ग्रीनविच मीन टाइम. इट इज लोकेटेड जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड, लोकेटेड ऑन द थेम्स रिवर इन लंदन सिटी ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड जो कि यूरोप का कंट्री है, वहां पर एक थेम्स रिवर है, सिटी लंदन के अंदर एक थेम्स रिवर है, वहां पर जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड लिया गया है, राइट? और लॉन्जी इसके जो ईस्ट में है, आप ये पूरा मैप बता दिया हुआ. जीरो डिग्री के ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर लिखना रह गया यहाँ पर. एंड जो ईस्टर्न पार्ट में जो भी कंट्रीज हैं, जो भी सिटीज आ रहे हैं, जितना हम इधर जाएंगे, जितना हम ईस्ट में जाएंगे, जितना हम आगे जाएंगे, राइट, तो उतना टाइम प्लस में रहेगा, वक्त बढ़ेगा. जितना हम वेस्ट में जाएंगे माइनस में करना रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे है, राइट? तो ये वन पोर्शन. अब
क्या हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट टाइम इसके बारे में आप बताता हूँ। बस इतना भी इस स्लाइड के जरिए कि ईस्टर्न में हम जितना जाएंगे प्लस टाइम बढ़ता जाएगा और वेस्ट में जाएंगे माइनस होता जाएगा टाइम से। किसके कहाँ से माइनस करना है? ग्रीनविच के टाइम से, राइट। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इट्स आर इंडिया, इट इज़ ए जीरो डिग्री। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है जीरो डिग्री। ये कहाँ पर आ रहा है? यूरोप में थेम्स रिवर पर, राइट। जितना हम इधर गए जो भी कंट्रीज आ रहा है अफ्रीकन कंट्री, उसके बाद ये हमारा इंडिया आ गया। इंडिया इज नियर 68 डिग्री से स्टार्ट होकर 92 डिग्री पे खत्म हो रहा है। तो इंडिया को एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो 5.5 घंटा 5 hours 30 minutes यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस 5, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है 5 hours 30 minutes। तो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा हमारी घड़ी आगे चल रही है, राइट। यानी कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे इधर शाम में इवनिंग 5:30 हो रहा है, राइट। हम 5.5 घंटा आगे है। लेकिन उसके ही उलट लिख लो, उसके उलट अगर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर ले लिया सपोज यूएसए यहाँ पर है, राइट। यूएसए 7 -7 तो -7 घंटा -7 hours फ्रॉम द ग्रीनविच। यानी कि अगर मैं बताया था कि ग्रीनविच पर लंदन में अभी 12 बज रहे हैं, इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो -7 करना पड़ेगा, राइट। 12 -7 5, तो सुबह के 5 बज रहे होंगे कहां पर? यूएसए में, न्यूयॉर्क में सुबह के कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं, 5 AM हो रहा है। लंदन में, ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, वेल इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, राइट। सो इन दिस वे ये पूरा यूनिवर्सल टाइम को सेट किया गया है टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अब जितना हम इधर जाएंगे उतना प्लस में टाइम होता जाएगा। अब ये बता दूं कि टोटल जीरो डिग्री के ईस्ट में जितना जाएगा डिग्री, मतलब 1 डिग्री, इट इज अ 1 degree 2 degree करके, यहां पर इंडिया का 68 डिग्री आता है, 92 डिग्री पे खत्म हो रहा है। ऐसे पूरा 180 डिग्री ईस्ट गया है, जो हाफ पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे बता दूं कि दिस पोर्शन, दिस ईस्टर्न हेमिस्फीयर 180 डिग्री है, 180 डिग्री ईस्ट आएगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर 180 डिग्री वेस्ट आएगा, राइट। अब 180 डिग्री प्लस ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट हो गया टोटल 360 डिग्री हो गया टोटल। सो अर्थ इज डिवाइडेड 360 डिग्री। तो अगर हमको 1 डिग्री, अब दिन भर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, राइट। तो 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड डिवाइडेड बाय 24 hours, तो आपको 1 डिग्री, 1 डिग्री का टाइम, मतलब सॉरी 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्री। टोटल 360 लॉन्जिट्यूड डिवाइडेड बाय 24 hours, क्योंकि दिन में पूरे अर्थ में टोटल कितने लॉन्जिट्यूड है? 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड, राइट। 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इंडिकेट्स 4 minutes, वो आगे बताता हूँ। सो दिस 360 लॉन्जिट्यूड डिग्री डिवाइडेड बाय 24 hours, बिकॉज दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड आएंगे, राइट। सो 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ये कैसे मिला? टोटल लॉन्जिट्यूड है 360, दिन में 24 घंटे रहते हैं, उसको डिवाइड करने से 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड आया। तो 1 घंटा बराबर है इज इक्वल टू 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। नाउ अब ये तो हो गया 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, तो अब 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? सो वी नो द 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स इज डिवाइडेड इंटू 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड, सो 4 मिनट्स कम। तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज 4 मिनट्स, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड 4 मिनट्स के बराबर है, राइट। और 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड 1 घंटे के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना। 1 घंटे के बराबर 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड 4 मिनट्स, 4 मिनट्स बराबर है 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड के। अब आ जाते हैं हमारे इंडिया में। इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा हमारा 68 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। यहाँ पर आप ई देख सकते हो, जबकि वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाए लाइक यूएसए वगैरह डब्ल्यू यूज करते हैं, वेस्ट यूज करते हैं, यहाँ पर हम ईस्ट क्यू यूज करा क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होकर 92 डिग्री पे खत्म हो रहा है। सो 92 - 68 समथिंग 29 डिग्री आएगा, राइट। सो हमारे ईस्टर्न में, हमारे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट लाइक गुजरात, गुजरात का स्टेट हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है,
और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में करीब करीब 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न पार्ट हो, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो, हम एक ही घड़ी यूज करते हैं। इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, वो स्टैंडर्ड टाइम मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 2 घंटा पहले सूरज यहाँ निकल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, 2 घंटे बाद गुजरात में निकल रहा है, क्योंकि ये पोर्शन हमारा 2 घंटा आगे है, राइट। लेकिन हम एक ही घड़ी यूज कर रहे हैं। वो बताता हूँ, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है, राइट, जो कि अलाहाबाद मिर्जापुर से गुजर रहा है। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वी फॉलो द वन, बिकॉज हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो एक्सटेंड है, फैला हुआ है, वो कम है, इसलिए हम एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूज कर रहे हैं टू अवॉइड कन्फ्यूजन। लेकिन बहुत सारे बड़े देश मतलब यहाँ पे बता देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक बड़ा देश दिख रहा है, एक बड़ा कंट्री, बड़ा नेशन है, लाइक कैनेडा, यहाँ पे USA, रशिया, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, दे फॉलो द मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। आपको एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल रीजन में कैनेडा हैज़ अ 6 टाइम जोन, तो ज्योग्राफिकल रीजन क्या आएगा, बिकॉज कैनेडा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इज वास्ट, कैनेडा इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, राइट, सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एज पर द एरिया, इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इज मोर, दैट्स वाई द कैनेडा हैज अ 6 टाइम जोन। अब नाउ लोकल टाइम, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू इट्स नून टाइम। नून टाइम मतलब दोपहर का जो टाइम रहेगा उसको ही लेके लोकल टाइम डिटरमाइन होता है। दिस इंप्लाइज दैट द प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 68 डिग्री स्टेट पर 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अब 68 डिग्री पे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान हो या फिर सऊदी अरबिया हो या ऊपर जितने जाए ईरान हो, यूक्रेन हो, बहुत सारे कंट्रीज जो कि 68 डिग्री पे आते हैं, तो उनका भी सेम टाइम होगा एक, क्योंकि लॉन्जिट्यूड जिस जिस देश से गुजर रहा है वो लॉन्जिट्यूड उस पर वही वक्त होगा, राइट। सो दोज प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम एंड देयर इज नो डिफिकल्टी व्हेन लोकल टाइम इज यूज फॉर अ स्मॉल एरिया। सो दैट्स व्हाई इंडियाज लोकल टाइम इज यूज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज हमारा वास्टनेस ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा पोर्शन है वो ज़्यादा फैला नहीं हुआ है। आप देखो कि मैप ऑफ इंडिया में देखो जो हमारा डिस्टेंस है ना नॉर्थ टू साउथ वो ज़्यादा है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट कम है, राइट। तो दैट्स व्हाई टू एंड एक रीज़न ये है कि हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड इंडिया इज द 7th largest country इन द वर्ल्ड, नॉट द 2nd, 3rd, 4th, राइट। We have the second most populous country, but as per the area, comes on the 7th position. As per area, we are on the 7th. Here, for example, likhiye, if the people living in a larger area across different longitude have to interact with each other, then using a local time could lead to chaos and confusion. तो इसलिए वो कई time zone use करते हैं, उनकी कई अलग अलग time होती है। लेकिन हमारे इंडिया में जैसे कैनेडा के पास 6 time zone है, रशिया एंड कैनेडा है मोर देन 1 time zone. अब देखिए ये जीएमटी को पहले बताया था मैं यहाँ पर, 0 degree प्राइम मेरिडियन जो कि ब्रिटेन में है जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, राइट। इट इज कैलकुलेटेड अंडर द 0 degree लॉन्जिट्यूड, वाइल द IST स्टैंड फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट इज कैलकुलेटेड अंडर द 82 degree 30 minute ईस्ट वर्ल्ड कॉमन टाइम। ये जीएमटी वर्ल्ड कॉमन टाइम है, जबकि IST इंडिया का ही स्टैंडर्ड टाइम है। एंड द जीएमटी मेरिडियन पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन, जिस ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया नियर अलाहाबाद मिर्जापुर टाउन। सो वन बाय वन वी विल टेक द क्वेश्चन, वाई डज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट कीप चेंजिंग बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड कैन बी ड्रॉन ऑन अ वर्ल्ड मैप कीपिंग एन इंटरवल ऑफ 1 degree इज 360 degree। द अपर एंड मूवमेंट आंसर इज 360। द अपर एंड मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ वॉट, एक्चुअली मैंने बताया था कि सन डजंट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका रीजन क्या आएगा, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द सन, दैट्स वाई दिस रिजल्ट। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना। वेल द अर्थ रोटेट्स हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड फेस द सन डेली, 36, आंसर इज 36। At which longitude does the date change? ये आपको 9th standard में भी इसका extend, इसके आगे का part है, international date line।
IDL, आप लिख लो इसका आंसर. At which longitude does the day change? International date line IDL at 180 degree, right? 180 degree east and 180 degree west. How was time measured in older days? Sand line or Ghata ka patra, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, that is the Ghatika patra, a ball with a minute hole at its base, which would float in a large water field. And in present time, what are the instruments used for the time measurement? Usually watch, clock, etc. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट, मशहद अ टाउन इन ईरान इज लोकेटेड. अ मशहद इज अ सिटी इन ईरान लोकेटेड ऑन द 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड. ईरान हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर टच है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ईरान आएगा. आपको ये लोकेशन ई दिया हुआ है. व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, यानी लंदन में, ब्रिटेन में 0 डिग्री, ग्रीनविच पे 0 डिग्री है, 12 दिन वहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं. कहां पर? ग्रीनविच पर, लंदन में. कैलकुलेट द लोकल, जब भी ग्रीनविच आया मतलब लंदन. सो कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ मशहद टाउन. यस, सो वेरी सिंपल, 60 डिग्री है. अब यू नो द 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. आपको पता है कि 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड बराबर है एक घंटे के. तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 कर दिया तो 4 आ गया. अदर वेज क्या है कि 1 डिग्री, यू नो द 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स, आपको बताया था. तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 4 इसी वजह से हुआ है, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट. तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 240 मिनट्स. अभी 240 मिनट्स आ गए. अब 240 मिनट्स आपको हर में कन्वर्ट करना है, घंटों में करना है, राइट? तो 246 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो आप आ गया 4 आवर्स. तो 4 घंटा, यानी अगर दोपहर के 12 बजे ग्रीनविच पे टाइम है, तो मशहद जो कि सिटी ऑफ ईरान है, वहां पे दोपहर के 4 बजे होगी, ये शाम के 4 बजे होगी, राइट? 4 PM हो रहा होगा. अब ये मनॉस सिटी इन ब्राजील इज लोकेटेड ऑन द, अब ये मशहद ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, मनॉस जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है. मनॉस सिटी इन ब्राजील इज लोकेटेड ऑन द 60 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड. व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट मनॉस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच. अब आपको यहाँ पे माइनस जाना है, राइट? 60 मल्टीप्लाई बाय 4 लोगे, 240 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, 4 आएगा. लेकिन आपको माइनस में जाना है, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में माइनस टाइम कम होता है, ग्रीनविच के टाइम से सब्ट्रैक्ट करना है. तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो पहले जाओगे तो कितना होगा, 4 घंटे रिवर्स जाओ, सुबह के 8 बज रहे होगे, तो मनॉस में सुबह के 8 AM हो रहा होगा, राइट? सो एज मनॉस इज लोकेटेड टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ ग्रीनविच, द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच इज 12 नून ऑफ ग्रीनविच टाइम. सो ग्रीनविच टाइम बाय 4 आवर्स. And therefore, when it is noon at Greenwich, it would be 8 a.m. at Manaus. सुबह के 8 बज रहे होंगे, right? So don't forget to watch the next part of video. In next part, I will explain the question and answer exercise. यानी सारे question जो आपके दिए हुए हैं, क्योंकि आपके teacher तो आपको blackboard पे लिखा नहीं सकते, क्योंकि online classes चल रही है, तो सारे इसके answer explanation मैं next video में part 2 में explain करने जा रहा हूँ. तो don't forget to watch that video. जैसे ही वीडियो एंड होगी तो आपको उसका थंबनेल नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सेकंड पार्ट देख सकते हो, जिसमें नाइसली एक्सप्लेन किया गया है लॉन्जिट्यूड और कैसे कैलकुलेट करना है. सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें दिए गए हैं. सो उसके बाद बता दूं, और साथ ही साथ में सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू डाउनलोड द आंसर, राइट? तो इस सारे क्वेश्चनों का आंसर नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है. नेक्स्ट वीडियो के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही वीडियो खत्म हो रही है, ऊपर आपको एक थंबनेल दिखाई दे रहा है, पार्ट टू एक्सरसाइज ऑफ द लोकेशन एंड टाइम, चैप्टर फर्स्ट का नाम लिखा होगा, उसके बाद लिखा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए उस वीडियो पर, उसे सारी पूरी वीडियो देखिए, 14 मिनट या 15 मिनट की वीडियो है. देन आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन में क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू गेट द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी 8 स्टैंडर्ड. तो उसे आप डाउनलोड करके ले सकते हो आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.